इस श्लोक में शिव जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की तीन महिमा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, मंदिर में क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, आते हैं, यहाँ लिखे हुए मंदिर में क्यों जाना चाहिए। तो तीन महिमा है भगवान के दर्शन की। एक भागवत अर्चितम, भगवान का जो दर्शन है शुद्ध भक्तों के द्वारा पूजित है। बड़े बड़े शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साक्षात लक्ष्मी, पूरी दुनिया जिसके पीछे पागल है, साक्षात लक्ष्मी जी भगवान की अर्चना करती है। बड़े बड़े देवी देवता भगवान की अर्चना करते हैं। तो दर्शन की प्रथम महिमा भागवत अर्चितम, भागवतों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान अर्चित हैं, भगवान श्री कृष्ण पूजित हैं। दूसरा रूपम प्रियतमम, हे प्रभु आपका स्वरूप अत्यंत प्रिय है, ऐसे देखने पर ही आदमी मोहित हो जाए, दिखने में बड़ा सुंदर है। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण को माँ यशोदा तैयार करती थी और तैयार करके जब भेजती थी अपने सखाओं के साथ, तो सारे ब्रजवासी कृष्ण को सजा धजा देखकर अपने मुख से यही कहते थे, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, गाइए, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, तेरे घुंघवारे ये बाल, तेरे घुंघवारे ये बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, कहते हैं रूपम प्रियतमम, बड़ा प्रिय रूप है, स्वाभाविक सुंदर है, किसी की भी नजर लग जाए। और इसलिए दिन में तीन बार हम कृष्ण की नजर उतारते हैं, आरती करते हैं। फिर तीसरी महिमा कहते हैं सर्व इंद्रिय गुण अंजनम, आहा बहुत सुंदर बात। कृष्ण का रूप कैसा है थोड़ा सा समझिए, आनंद आएगा। कहते हैं सर्व इंद्रिय गुण अंजनम, अंजन, अंजन माने काजल, आंख में जो आप लोग लाइनर काजल लगाते हैं ये अंजन। तो कृष्ण का रूप कैसा है काजल के समान, जैसे आंखों में अंजन भरते ना, आंखों में अंजन क्यों भरते हैं, आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। सो कृष्ण का रूप सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों के लिए अंजन का काम करता है, केवल आंखों के लिए नहीं। अर्थात कृष्ण का रूप हमारी प्रत्येक इंद्रियों में पावर भर देता है, कृष्ण का रूप हमारी प्रत्येक इंद्रियों में प्रेम भर देता है। शिव शिव है, शिव जी कहते हैं कृष्ण आपका रूप स्वानाम, स्वानाम माने, देखो ये भी शब्द बहुत अच्छा है, स्वानाम माने जो लोग आपको अपना मानते हैं, स्वानाम माने अपने लोगों के लिए, आप अपनों के लिए सभी इंद्रियों के अंजन के समान हो। तो आपके भक्त
आपका दर्शन करके अपनी प्रत्येक इंद्रियों में अंजन की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार भक्त को भगवान का दर्शन बहुत पसंद है। एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि भक्त को भगवान का रूप बहुत प्रिय है। भक्त जन भगवान को बहुत देखना चाहते हैं और उतना ही भक्त भगवान को देखना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, तीन लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और फिर भक्त। कर्मी जो है ना वो भी भगवान को देखना चाहता है, ज्ञानी जो है ना वो भी भगवान को देखना चाहता है, योगी भी भगवान को देखना चाहता है और भक्त भी भगवान को देखना चाहता है। लेकिन चारों में अंतर है। जो कर्मी होते हैं, कर्मी कर्म कांड का आश्रय लेते हैं, तो कर्म कांड का आश्रय लेने वाले कर्मी भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को देखने का उद्देश्य क्या है? ये कर्मी लोग भगवान को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। किसके लिए? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। दूसरे शब्दों में यह भी कह दूं कि अपनी इच्छा को पूर्ण, अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम भगवान का दर्शन करें तो हम भक्त नहीं, हम कर्मी है। वो कर्मकांड ही समझिए, वो सौदा है, वो बिजनेस है। तो कर्मी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भगवान को देखना चाहता है। दूसरा, ज्ञानी भगवान में तदात्म्य होने के लिए या भगवान में मिल जाने के लिए, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के लिए ज्ञानी भगवान को देखना चाहता है। गुरु महाराज तो बहुत कहते हैं कि ये जो लोग भगवान में लीन होना चाहते, बहुत बड़ा समाज है इस दुनिया में, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले, बहुत बड़ा समाज है जो साधना करके क्या करना चाहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म में लीन होने में लीन होने वाले को भी कोई आनंद नहीं आएगा और ब्रह्म को भी कोई आनंद नहीं। ब्रह्म को यदि लोगों को लीन ही करना होता तो पैदा क्यों करते, पहले ये समझिए। ब्रह्म को, भगवान को, भगवान का ये उद्देश्य होता कि ये आत्माएं मेरी अंदर लीन हो जाए तो भगवान आत्मा को प्रकट ही क्यों करते। ये तो कैसा हुआ कि एक बेटा अपने बाप से कहे कि पिताजी, बोलने में मुझे हंसी आती, पिताजी आपसे मेरा जन्म हुआ है, अब मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करके मैं आपके अंदर लीन हो जाऊंगा, मतलब आपके अंदर वापस घुस जाऊंगा। तो ये कोई बाप को भी आनंद नहीं, बेटे को भी आनंद नहीं। बाप को कब आनंद आएगा? वो लीन होने में आनंद नहीं आएगा। बाप को आनंद आएगा, बेटा तेरा जन्म हो चुका है, तुझे ज्ञान, तो तू मेरी सेवा कर। जब बेटा बाप की सेवा करेगा तो बेटे को भी आनंद, बाप को भी आनंद। तो भगवान ने हम सब जीव को प्रकट किया है लीन करने के लिए नहीं। बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा धर्म चल रहा है, ज्ञान मार्ग, वो सब लीन होना चाहते हैं। तो कर्मी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान को देखना चाहते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भगवान को, निराकार ब्रह्म का ध्यान, उनका दर्शन करना चाहते हैं। फिर आगे चले तो योगी लोग अपने हृदय में बस मात्र परमात्मा के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। मैं तुमको देखूं, तुम मुझे देखो, बस केवल परमात्मा के रूप में। लेकिन भक्त लोग सर्वांग रूप से भगवान को दर्शन करना, भगवान को देखना चाहते हैं। प्रभु आप दर्शन दो ताकि हम आपकी सेवा कर सके, आपके साथ आदान प्रदान कर सके। ये अन्य लोग भगवान के सर्वांग रूप को देखना नहीं चाहते। कर्मी तो बस आप आओ मुझे दो, देखकर वो भगवान को देखा नहीं देखा उसको कुछ है ही नहीं, भगवान ने क्या पहना क्या किया कुछ नहीं। बस कर्मी तो हमको चाहिए, ये दे दो, आप चलो मैं चलूं, बात खत्म। और ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं इसका रूप ही नहीं है तो देखने की बात ही कहां आई, तो रूप ही नहीं हो तो निराकार है, उसमें हम लीन होंगे। और योगी लोग परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भक्त भगवान के प्रत्येक अंग को देखना चाहता है,
प्रत्येक फीचर्स को देखना चाहता है, भगवान के प्रत्येक रूप को देखना चाहता है। इसलिए भक्त जब भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है तो भगवान से यही कहता है, वेणुं क्वणन्तम् अरविन्द दलायताक्षम बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामे। जब भक्त मंदिर में जाता है तो भगवान के इस रूप को देखना चाहता है कि प्रभु आप हमें इस रूप का दर्शन दीजिए। सो इस प्रकार से भक्त का ये भाव होता है।